देखिए, एक मुसलमान फैमिली की कहानी है तो जाहिर सी बात है कि उनके जो तौर तरीके हैं घर के, रिलीजन के बारे में कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, और एक लड़के की जर्नी है जो काम नहीं करता, फिर अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाने होते हैं तो दुबई जाता है, उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, वेरियस कैरेक्टर्स जो उसके लाइफ में आते हैं तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है जिनकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। देखिए कंपटीशन मतलब इन फ्रंट ऑफ सलमान कंपटीशन वाली की बात ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ही इज़ द बिगेस्ट स्टार एज ऑफ नाउ, एंड वो सोचना भी गलत है। आई मीन वी कांट इवन थिंक ऑफ एनी कंपटीशन, ही इज वे टू बिगेस्ट स्टार टू हैव अ कंपटीशन विद। एक्चुअली ये ऐसा कोई सीन एज इन सच पर्टिकुलर सीन नहीं है, पूरी फिल्म में बहुत सारे सीन्स और सिचुएशंस ऐसे हैं जो बहुत मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एज ऑफ नाउ वन पर्टिकुलर सीन नहीं, आई थिंक द एंटायर फिल्म हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। ये गाने बहुत ही अच्छे हैं, डिपेंडिंग एंड बिकॉज जो फिल्म का जो एक टोन है, मुसलमान फैमिली कहानी इस्लामिक कल्चर पे है, तो कवाली हैं, वी कैप्ट द एंटायर मूड।